मैं वो दो चीज़ें आपको बता देता हूँ जो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कराए। जापान के वैज्ञानिकों की रिसर्च जब मेरे सामने आई वो ये थी, पानी पर वाइब्रेशंस के इफेक्ट। आप में से कईयों ने सुनी होगी, मुझे वीडियो दिखाई, एक उनमें से सुना देता हूँ। दो गिलास पानी लिए, सेम वाटर, एक गिलास पर लिख दिया नफरत, दूसरे पर लिख दिया लव। दोनों गिलास को एक रूम में एक टेम्परेचर में अंधेरे में रख दिया और सवेरे जब पानी को चेक किया तो जिस पे नफरत लिखा था उसमें काले क्रिस्टल बन गए थे, जिसमें लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल आ गए। बस मैंने कहा मैंने जान ली बहुत सारी बातें, मैंने बंद कर ली और मुझे क्लिक हुआ कि शब्द लिखने से पानी पर इतना बुरा इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट हो सकता है। मनुष्य के शरीर में कितना पानी है? मोर देन 70%। और मनुष्य के मन में कितनी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, निगेटिविटी और क्या क्या है। तो इस पानी का क्या हाल होता होगा जो हमारे अंदर है? अब तो इसको परफेक्टली जान ही सकते ना मेरे से भी ज़्यादा। सारा पानी जो फ्लो हो रहा है बॉडी में वो तो कितना गंदा हो जाता है, उससे कई बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मैंने लोगों को पानी चार्ज करके देना शुरू किया और उसकी विधि थी, पानी के गिलास पर नज़र डाली और 7 बार संकल्प किया, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। चार्ज हो गया पानी, वो पिलाया, बुखार फटाफट ठीक होने लगे लोगों के, बहुत गुड रिजल्ट मेरे पास आए। मैं अभी अभी का अपना यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल है उसकी एक सच्ची घटना सुना दूँ। एक स्टाफ बहन है, उसको बुखार चल रहा था 8 मास से। मैं भी डॉक्टर के पास गया था, मैं बैठा था, मोटी फाइल बन गई थी, बड़ा गुस्से में उसने फाइल पटक दी टेबल पे कि बताओ और क्या करना है मुझे। डॉक्टर ने सब पलट के देखा, भाई सब कुछ तो करा लिया है, बॉम्बे, अहमदाबाद, इधर कई हमारे यहाँ अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं मेडिकल के। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक कर दूँ इनको? डॉक्टर खुश हो गए, कर दो भाई, 8 मास से हो ही नहीं रहे। मैंने उसको सिखा दिया कि तुम पानी चार्ज करके पियो कम से कम 5 बार रोज। पहले दिन ही बुखार ठीक होने लगा, 3 दिन में सदा के लिए ठीक हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मैं आपको इस पानी का एक सुंदर अनुभव और सुना देना चाहता हूँ और एनर्जी देने का, जिससे मैं आगे बढ़ा था। ये बात तब की है जब मैंने ये प्रयोग शुरू किए थे अब से 15 साल पहले। दिल्ली में मैं था और एक ओल्ड मदर मेरे पास आई रात को 8 बजे, कहा मेरे लड़की का पति हॉस्पिटल में है, उसे 6 दिन से नींद नहीं आई है। पहले दिन डॉक्टरों ने उसे दवाइयाँ गोलियाँ खिलाई, नो इफेक्ट। दूसरे दिन इंजेक्शन लगाए, नो इफेक्ट। तीसरे दिन अनस्थेसिया दे दिया तो भी वो सोया नहीं। अब वो तड़फ रहा है, परिवार वाले पास बैठे हैं, क्या करूँ। मैंने उसको, मैं भी जल्दी में था, कहीं दूसरे सेवा केंद्र पे जा रहा था, 2 विधि बता दी कि पानी इस तरह चार्ज करो, जाके पिला दो और उसके ब्रेन को एनर्जी देना शुरू करो। कैसे देते हैं मैं वो बता देता हूँ। वो गई, पानी चार्ज करके पिलाया, ब्रेन को एनर्जी देने लगी, 5 मिनट में सो गया, सवेरे तक सोया हुआ है। डॉक्टर साए नर्सिस से पूछा क्या दिया तुमने इसको, कहा इसकी सांस आई थी कुछ पिला के गई थी, तब से सोया हुआ है। वो पिलाया कुछ नहीं था, ये पानी था, चार्ज्ड वाटर। अब कैसे हुआ ये तो आप विचार करेंगे, मुझे मेडिकल साइंस सारी नहीं पता। एनर्जी देना कैसे, मैंने ये कार्य बहुत कराया लोगों से, माइग्रेन के पेशेंट को, सिर दर्द के, हाई ब्लड प्रेशर के, क्योंकि ब्रेन तो सब कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन अगर एफिशिएंट होगा, परफेक्ट हो जाएगा तो बीमारियों को कंट्रोल कर लेगा। अब आप कर लें ये और देख लें हमारे हाथों में कितनी पावर है। प्लीज हाथ मलेंगे
और अंदर में संकल्प करें मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, दो तीन बार कर लें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब अपने हाथ को ऐसे छोड़ दीजिए एंड यू कैन फील पावरफुल वाइब्रेशंस इन योर पाम। आ गए, ये सिर पे रख दिए ऐसे, आंखें बंद कर लिए, तो ये वाइब्रेशंस ब्रेन को जाने लगे। ऐसा एक मिनट कर लें और 10 मिनट तक कर लें, 10 बार, बहुत बहुत गुड रिजल्ट हैं। घुटने दर्द वालों को मैंने बहुत कराया, घुटने दर्द ठीक हुए। किडनी फेलियोर को मैंने कराया, 3 केस मेरे पास हैं यंग लोगों के, ठीक हो गए। आप बहुत खुश होंगे एक बात सुनकर, आँखों को एनर्जी देने से 3 ब्लाइंड मदर्स, उनकी आँखें खुल गई, मेरे लिए भी बहुत सुखद समाचार था। तीनों अच्छी बुजुर्ग हैं, एक तो 75 की, एक 70 की, एक 60 की, एक तो मुझे अपने घर में भी ले गई थी, 12 साल वो ब्लाइंड रही थी, ठीक हो गई। क्योंकि जो नर्व्स हैं आप जानते हैं, ये पावरफुल हो जाती हैं। मैंने ऐसे प्रयोग भी कराए जो हकला कर बोलते हैं ना, आवाज़ क्लियर नहीं रहती, तो यहाँ एनर्जी देने को। 3 केस बिल्कुल अच्छे हो गए, वो युवक थे और वो ज्ञान देना चाहते थे, भाषण करना चाहते थे, तो यहाँ एनर्जी देने से वो भी ठीक हुए। तो ये बहुत सुंदर थेरेपी हैं, आप भी अपने लिए भी करके देखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजन की भाषा बहुत जल्दी कैच कर लेता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो विजन दे देंगे उसको वो तुरंत रिसीव कर लेगा। मैंने इस ब्लाइंड मदर को एक विजन दी थी, वो चाहती थी कि मैं जो अच्छी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ गॉडली वर्सन्स होते हैं जिसे हम ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। वो कहती थी, हे भगवान मुझे आधे घंटे के लिए आंखें दे दो, मैं ये पढ़ लूँ बस, फिर भले ही बंद हो जाए, रोज मुझे आधा घंटा दे दो, प्रेयर कर रही थी। मैंने उसको विजन दी कि तुम ये विजन बनाया करो कि मेरे हाथ में वो सब है और मैं आराम से पढ़ रही हूँ। इसमें टाइम भी देना होता है विजन के साथ। मैंने तो उसको कहा 3 मास में मैं आराम से पढ़ रही हूँ, ऐसा विजन देना। लेकिन उसकी 17 ही दिन में आंखें खुल गई थी। 75 ईयर्स ओल्ड लेडी है, सतना मध्य प्रदेश की, 17 दिन में आंखें खुल गई। जो ये हकलाकर बोलते थे, भाषण करना चाहते थे, मैंने उनको विजन बताई कि तुम विचार करना, मेरे सामने 500 लोग बैठे हैं और मैं फ्लुएंटली भाषण कर रहा हूँ, कोई रुकावट नहीं है, खुल गया। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की बहुत अच्छी शक्ति है। मैं आप सभी को कहूँगा, टाइम हो गया है, आप यहाँ आए हैं, पूरी तरह से चार्ज होकर जाना। आने वाले समय में बड़े बड़े काम आपको करने हैं, ऐसा आप मान लें। ये समय आपका आह्वान कर रहा है, केवल दवाइयाँ नहीं, आपकी शुभ भावनाएँ, आपके एनर्जेटिक बोल, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करने वाले बोल, उन्हें बहुत मदद करेंगे। क्योंकि संसार की जो हालत होने जा रही है हमें बहुत पहले से पता है। मैं तो 2015 से लोगों को कहना शुरू कर दिया था क्लासेज में भी कि 2020 से 25 का जो पीरियड है बहुत ही खतरनाक होगा मानवता के लिए, इसमें ये रोग, मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे। हम ऐसे वाइब्रेशंस दें। अब जो यहाँ योग अभ्यास करने वाले बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, अपने रूम में बैठकर ही आप ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे रोज सवेरे और शाम को कि ये वाइब्रेशंस अनेक मानसिक रोगियों को राहत दें। ये काम होने ही वाला है, उन्हें राहत मिलेगी, उन्हें लगेगा वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, एनर्जेटिक हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। जैसे दिमाग से काली सी छाया हट गई है, फ्रेश हो गया, एनर्जेटिक हो गया दिमाग, इसलिए टाइम देंगे। लास्ट बात आप सभी भाई बहनों को कहूँगा, अब मैं आपको एड्रेस करूँगा, आप सभी महान आत्माओं को,
मैं ये लास्ट बात कहूँगा, अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर भरने के लिए समय जरूर दें अपने को, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं बहुत बिजी लाइफ होती है, थोड़ा सा अपने को समय दें, जरूर निकालें, ताकि स्पिरिचुअल पावर से आप अपने को भर सकें, तो आपकी इस प्रैक्टिस में ये पावर बहुत बड़ा काम करेगी, आपको कदम कदम पर सफलता मिलेगी और आपके अपने जीवन में यदि कोई बाधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करके चलना पड़ता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस को हमें कम करना पड़ता है जीवन को एंजॉय करने के लिए। तो मेरी शुभकामना है, शुभ भावना है, आप सभी महान योगी, महान डॉक्टर बनकर इस संसार को अपने वाइब्रेशन से सुखी कर दें, तो सुख तो आपको आप ही आ जाएगा, डबल होके आ जाता है। जो कुछ हम देते हैं, हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति में पहुंचते हैं, प्रकृति भी झंकृत हो जाती है हमारे वाइब्रेशंस से। इसलिए बहुत पॉजिटिव रहते हुए सबको पॉजिटिव करेंगे, होपफुल बनाएंगे और ये स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर भरेंगे।